Hi everyone, my name is Pooja Rawat and I'm taking this series of current affairs on the ARD section of NABAD, which is uh, the Agriculture and Rural Development. So, we have already done with the ninth session and this is the 10th one. And in case you are watching this for the first time, do watch the previous sessions. These are really going to be uh, very helpful for your NABAD exam, right? And before beginning our session, uh, in case you haven't subscribed to our channel do subscribe it and please press this bell icon so that you don't miss on uh, the latest updates you can also join our telegram channel to get access to the free quizzes and you can also post your queries there right let's start our session this is the first question and it says consider the following statement regarding kisan rail so, this Kisan Rail was launched during uh, the pandemic uh, season last year by the Indian Railways. Okay. And there are two statements you have to identify which of these are correct. The first says, the first Kisan Rail train service was launched on 7th August 2020. 7th August 2020, this is absolutely correct. And the second statement says, the train will operate on a daily basis. The daily basis, this is wrong. This train is not going to operate on a daily basis but a weekly. Okay. So weekly run karigi. So second statement uh, here is wrong. The correct option would be A, that is one only. So let's talk about it in a detail. So this is the first Kisan Rail train service on the Indian Railway Network. This was launched on 7th August 2020. We know that.

सिग्निफिकेंस आप देखो इंडियन एग्रीकल्चर इज मॉनसून डिपेंडेंट है ना सेकेंड थिंग इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल मेजोरिटी ऑफ द इंडियन फार्मर्स मोर देन एटी परसेंट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड दे डू नॉट हैव दिस स्टोरेज फैसिलिटी एट देयर है ना कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है लोकल लेवल पे जिसकी वजह से दे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ठीक है तो जो भी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे गेट अ लॉस्ट Uh, क्योंकि उनको टाइमली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाता है टाइमली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते प्लस स्टोर भी नहीं कर सकते सो दे यूजली सेल देयर प्रोड्यूस एट अ वेरी मिनिमल प्राइस बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है फार्मर्स के पास तो दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव इज वेरी सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एम्स एक्ट द डिवलपमेंट ऑफ अ सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चीज seamless without any disturbance without any ब्रेकेज कॉन्टीन्यूस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन जो है यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है एंड द ट्रेन विल हेल्प ब्रिंगिंग पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं वो प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू द मार्केट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो जो प्रोडक्शन साइट है उसको मार्केट से लिंकेज है प्रोवाइड करेगी दिस दिस काइंड ऑफ ट्रेन देन इट वो एम्स टू Uh, increase the farmers' income or doubling farmer income by 2022, which is uh, the flagship scheme of the present government, and it aims to uh, achieve this farmers' income. You know to double this farmers' income by 2022, and this is going to help in that initiative. So this is the second question, and it says consider the following statement regarding agriculture infrastructure fund. Okay, so फंड uh, जो है वो लॉन्च किया गया है विच इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसके बारे में यहाँ दो स्टेटमेंट हैं द फर्स्ट वन द स्कीम शैल प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म डेट फिनेसिंग फैसिलिटी शॉर्ट टर्म डेट फसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में है एंड दैट टू स्पेसिफिकली फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बाय बिकॉज दिस नॉट शॉर्ट टर्म बट मिड टर्म मिड टू लॉन्ग टर्म ठीक है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी सेकेंड स्टेटमेंट है इज द स्कीम विल भी अवेलेबल फॉर फ्रॉम ट्वेंटी 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 दिस इज ऑल्सो रॉन्ग दिस स्कीम विल भी इम्प्लीमेंटेड टिल ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन ठीक है सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग

जो आपका जो क्रेडिट दिया जाता है उस पर अगर टेन परसेंट का इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर सब्सिडाइज इंटरेस्ट जो आपको प्रोवाइड दिया जाएगा तो अप टू सम लाइक अगर 10 का इंटरेस्ट सबवेंशन है तो जो चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट वुड बी सेवन परसेंट ठीक है तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन जो इंटरेस्ट में आपको रिबेट मिलती है आपको सब्सिडाइज रेट पे लोन मिलता है द सेकेंड स्टेटमेंट हेयर इज द नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी विल बी सेटअप टू इंश्योर द रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव फीडबैक तो दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट देर विल थ्री टीयर मॉनिटरिंग सिस्टम एट द नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड दिस प्रोवाइड अ रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड फीडबैक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहे हैं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी थ्रू दीज मॉनिटरिंग कमिटीज सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सेम Let's move on to the next question. okay let's talk about it in detail. So the scheme shall provide a medium to long-term debt financing facility for investment in viable project, the project which are commercially viable, which are sustainable in future for post-harvest management infrastructure and community farming assets through the interest subvention and financial support. Okay, so are two components as it's direct financing and the other is interest subvention through. ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो जितने भी पोस्ट हार्वेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लिंक स्टैब्लिश करने की बात हो उसकी मार्केटिंग uh, करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको प्लेटफॉर्म e चाहिए वो सारा का सारा जो है इसमें कवर होगा ड्यूरेशन अगर देखें फाइनेंशियल ईयर तो इट विल कवर 2022-2029 तो इम्प्लीमेंटेशन वुड बी फ्रॉम ट्वेंटी 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 अप्रॉक्सिमेटली टेन ईयर टीचर्स की अगर हम बात करें तो देर वुड बी अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ रुपीज वन लैख करोड एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड बाई अ लोन ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा

which would be up to 1 lakh crore by the banks and financial institutions. then the moratorium for the repayment is six months to two years. so it will vary. the moratorium hoga up loan ke amount per dependent loan and that would vary from six months to two years. then there is a component of interest subvention. we have already discussed this. then there is also one component. विच इज द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को अगर जो लोन दिया जाता है उस लोन के ऊपर देर वुड बी अ क्रेडिट गारंटी प्रोवाइडेड थ्रू दिस फंड सो दिस कवरेज विल बी अवेलेबल फॉर द एलिजिबल बोरोअर्स फ्रॉम द स्कीम अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए होगा एंड अप टू अ लोन ऑफ टू करोड़ रुपीज तो दो करोड़ रुपए तक का जो लोन है उसके ऊपर क्रेडिट जो गारंटी है दैट प्रोवाइडेड बाय दिस फंड अंडर दिस स्कीम नाउ द मैनेजमेंट विल बी थ्रू एन ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म देर बी आर एम प्लेटफॉर्म जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर सारे का सारा जो डेटा होगा वो फीड किया जाएगा बाय होम देर मॉनिटरिंग कमिटी एट द नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देश्योर दिस अल टाइम मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव फीडबैक थ्रू एम आई एस प्लेटफॉर्म ठीक है तो ये लोग इस, uh, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड दे आर गोइंग टू फीड दिस डेटा ऑन दिस एम आई एस प्लेटफॉर्म इट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन It says recent scheme formation and promotion of 10,000 FPOs, that is farmer production organization, is launched by which ministry? So recently, this uh, scheme, jo hai, wo launch ki is launched, as the name suggests, it is for the uh, formation and uh, promotion of these FPOs, and the scheme was launched by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So let's discuss it. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अव सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हम लोग पहले के सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं तो इंटायर फंडिंग इज थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट तो शेयरिंग पैटर्न क्या होता है इज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टाइटल फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ टेन थाउजेंड एफ पी ओ विद क्लियर स्ट्रैटेजी एंड कमिटेड रिसोर्सेज टू फॉर्म एंड प्रमोट दीज न्यू एफ पी ओज प्रोविजन ऑफ सिक्स एट सिक्स फाइव करो तो बजटरी जो प्रोविजन है इसका दैट इज अराउंड

यानी कि जो आपके इनपुट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है एंड आपका प्रॉफिट मार्जिन सो वही यहां पर अचीव करने की कोशिश की जा रही है थ्रू दीज एफ सो दैट गेट बेटर मार्केट एक्सेस एंड बेटर बार्गेनिंग कैपेसिटी देन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लस्टर टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन एंड बेटर प्रोसेसिंग मार्केटिंग ब्रांडिंग एंड एक्सपोर्ट तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही जो प्रोड्यूस है वो डेवलप किया जाए तो so दैट उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग हो पाए उसकी प्रॉपर मार्केटिंग हो पाए और अच्छे से प्रोसेसिंग हो जाए वैल्यू एडिशन हो जिससे आपको क्या हो उस प्रोड्यूस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है वो कोट किया जा सके बेटर तरीके से उसको एक्सपोर्ट किया जाए तो so यहाँ पर इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है देन द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज विल इंगेज

तो जो भी कैपेसिटी डेवलपमेंट है ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी डन बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव इयर्स देन एफपीओस विल बी प्रोवाइडेड विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू रुपीज एटीन लाख पर एफ तो पर एफ जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा वो एटीन लैख का होगा फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स तीन सालों के लिए उनको इतना जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा मॉनिटरिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवलिकॉनिटरिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड दिस विल टेक केयर ऑफ दल कॉर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग एट द लोकल नेशनल लेवल अगर हम देखें देर वुड बी अशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी दिस इज एंगेज फॉर द प्रोवाइडिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट गाइडेंस क्योंकि गाइडेंस पॉलिसी सपोर्ट जो है दैट वुडन बाई दिस एजेंसी एंड

This is the last one, and it says Par Kisan Seva Portal, which will host all the schemes related to farmers is launched by which state? So this is the uh, state scheme uh, recently, abhi launched ki gayi. Par is the transparency. Uh, Kisan is what farmers. So there would be. Uh, it aims to bring in the transparency for uh, in the implementation of all these schemes that is related to farmers. ये scheme, ये स्कीम पोर्टल है लॉन्च किया गया है एंड एंडल वॉज लॉन्च उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया टू ब्रिंग इन द ट्रांसपेरेंसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फार्मर्स स्कीम सो दिस इज ऑल अबाउट इट इन डाउन एंड ऑन टेलीग्राम चैनल सो थैंक नेक्स्ट सेशन